इन्होंने कश्मीर, हरियाणा, पंजाब सब अपने भारत के नक्शे से गायब कर दिया था। इनकी मानसिकता साफ नजर आ रही थी और खालिस्तान सपोर्टर हैं प्योर। एक तरफ हम इन सिंगर्स का जिक्र कर रहे हैं जो अपनी भाषा में, अपने गानों में सीधे तौर पर कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, खालिस्तानी समर्थक अपने आप को दिखाते हैं। सिद्धू मूसेवाला पिछले साल हत्या कर दी गई, एक साल हुआ उसके बाद उनकी माँ, जो आपने जिक्र भी किया जिस वाक्य का, वहाँ की मिट्टी की, वहाँ के खेत की खलियाने की एक तस्वीर हमारे आंखों के सामने होती है। आज भी है, ऐसा नहीं है मैं सबको उस कटघरे में नहीं लूँगा, आज भी है। बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं पंजाबी सब, नहीं मैं बोल रहा हूँ पंजाब में, पंजाब सदार गर्व का हमारा सिंबल है। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण और मैं हूँ हरीश असवाल। जस्टिन ट्रूडो जब से G20 सम्मेलन में भारत आए उसके बाद से ही लगातार खालिस्तान को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं और हालात ऐसे हैं कि खालिस्तान को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले भी आपने हमारा वीडियो देखा होगा, हमने जस्टिन ट्रूडो को लेकर बात की थी, क्या कुछ प्लानिंग थी, चीन का कैसे हाथ था इसमें, सारी चीज़ें हमने बताई थी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सिंगर्स की जिनके गानों को यूथ सुन रहा है और यूथ उसी तरफ आगे बढ़ रहा है, जिस गानों में खालिस्तानी समर्थकों की लगातार बातें हो रही हैं, हथियारों की बातें हो रही हैं, जमीन की बात हो रही है, तिरंगे की बात हो रही है। हरीश जी मेरे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, अगर हम पंजाबी सिंगर्स की बात करें, मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं, वो कॉन्ट्रोवर्सी में रहे हैं कि ये खालिस्तानी समर्थक हैं और इन्होंने अपने किसी ना किसी एल्बम में किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ा है। बिल्कुल काजोल, पहले तो मैं बता दूँ कि सरदार मतलब देश की शान, सरदार मतलब मेहनत, सरदार मतलब सच, ये सरदार के मायने हैं। और सही बात है कि वो सरदार की आपने स्टोरी भी सुनी होगी, जहाँ 20 सिख की एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, 20 सिख मिलकर कई हजार, 10,000 सैनिकों से अकेले लड़ जाते हैं, वो सिख है। पर कुछ सिखों ने कुछ इस तरह के जो गानों की आड़ में कलाकार की आड़ में कलाकारी जो कर रहे हैं, किस तरह से फंडिंग इकट्ठी करते हैं खालिस्तान को लेकर, ये साफ देखा जा रहा है। कई ऐसे वाक्य हुए, कई ऐसे मैं सुबमीत सिंह उर्फ सुब, इन्होंने कश्मीर, हरियाणा, पंजाब सब अपने भारत के नक्शे से गायब कर दिया था, तो इनकी मानसिकता साफ नज़र आ रही थी और खालिस्तान सपोर्टर हैं प्योर। और ऐसी दूसरे नाम ले लूँ, AP डिलॉन, जो ठीक 15 अगस्त से पहले अपने जूतों में ट्राई कलर लगा के बैठते हैं और जैसी 15 अगस्त जाता है उसके बाद ये वो उस फोटो को डिलीट कर देते हैं। अगर इनकी फ़ोटो में कुछ नहीं था तो इन्होंने पहले पोस्ट क्यों लगाया और उसके बाद डिलीट क्यों किया? मतलब ये देश को जूतों की नोक पर रखते हैं ऐसे लोग। और गिप्पी गरेवाल के बारे में आपने सुना ही होगा, किस तरह से खालिस्तान सपोर्टर हैं, उनके तो पोस्टर्स भी निकल कर सामने आए थे, उनके पंजाब बचाओ 1984 का जिक्र किया था। बिल्कुल, 1984 एक काला दिन के रूप में हमारे मैं देश उस में उस चर्चा को हाँ। और बताऊंगा, सिद्धू मूसेवाला, पूरा देश इनके साथ खड़ा हुआ कि इनकी हत्या हुई, इनके पूरा देश इनके साथ खड़ा। इनकी बरसी थी शायद, इनकी बरसी पर इनकी माँ ने क्या कहा कि हम अपने आप को आज़ाद महसूस ना करें, अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। पूछा भी उन्होंने सबसे, क्या हम आज़ाद हैं, क्या हम आज़ाद हैं? मतलब जिनके बेटे के लिए पूरे देश ने संवेदना व्यक्त की हो और उनकी माँ अगर स्टेज पर जाके पंजाब को अलग, मतलब हिंदुस्तान क्या आज़ाद नहीं हुआ था? उनकी मानसिकता साफ साफ नज़र आ रही है कि वो खालिस्तान की डिमांड कर रही है, वो अपने आप को इंडिया का भाग ही नहीं मानती हैं, वो भारत देश में अपने आप को मानती ही नहीं है, ये तो उनके हाल हैं। जैजी भी, आपने जैजी भी को भी देखा होगा, खालिस्तानी खूब सपोर्टर हैं। तो इन्हीं सब को, ऐसी कई ऐसे सिंगर हैं जो गोलियों की बात, शराब की बात, नशे की बात अपने गानों में लेके आए। कनाडा का जिक्र सबसे ज्यादा पंजाबी इन सिंगर्स के गानों में होता है। बिल्कुल होता है। और ये लोग
इतनी अच्छे से फंडिंग इकट्ठे कर रहे हैं, आप देखेंगे इनके यूट्यूब पे तुरंत इनके सॉन्ग्स वायरल हो जाते हैं और आज की यूथ इनको पसंद भी कर रही है। पहले गानों में ना एक संदेश हुआ करता था, देशभक्ति हुआ करती थी, प्यार प्रेम झलकता था उस गानों में। अब साफ 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 दिखाई देता है दो बोतल वोडका, इस तरह के गाने बनते हैं और यूथ उसको पसंद कर रही है। चलिए दो बोतल वोडका उन्होंने मजाक में जो भी है उसमें, पर इस तरह के कई की गोलियों से जवाब देंगे, जमीन पे लड़ लेंगे टाइप से, इस तरह के संदेश इनके गानों में है। आतंकवादी संगठनों का जिक्र भी गानों में हो रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल प्रॉपर इनका जो आप इनके गानों की तरफ देखेंगे तो इनके हथियारों से, पूरा हथियार के साथ ये म्यूजिक एल्बम बनाते हैं। हथियार के साथ फोटो खिंचाने पे पुलिस उठा के ले जाती है, लेकिन ये पूरा वीडियो बना लेते हैं। ये पूरा वीडियो बना लेते हैं कलाकारी के उसमें। अब सोचिए, मतलब इन लोगों के लिए कोई बैन नहीं है, ये कलाकार कलाकारी के आड़ में कुछ भी करेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे का पूरा इन्होंने पूरा प्रबंध कर रखा है। तो इस तरह के कई कई चर्चे हैं इनके, तो इनको एक तरह से इनको कई ऐसे हैं जो यहाँ से जाके कनाडा में बैठे हैं, भारतीय मूल के थे, अब कनाडा में बैठे हैं, वहाँ का पासपोर्ट लेके बैठे हैं और वहाँ से अपने वीडियोज़ बनाते हैं और उनको YouTube के थ्रू या अलग अलग माध्यम Facebook के थ्रू अपलोड करते हैं और उससे पैसा भी कमाते हैं और खालिस्तान के लिए फंडिंग भी इकट्ठी करते हैं। तो ऐसे में हरीश जी, ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ हम इन सिंगर्स का जिक्र कर रहे हैं जो अपने भाषा में, अपने गानों में सीधे तौर पर कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, खालिस्तानी समर्थक अपने आप को दिखाते हैं। सिद्धू मूसेवाला पिछले साल हत्या कर दी गई, एक साल हुआ उसके बाद उनकी माँ, जो आपने जिक्र भी किया जिस वाक्य का, ये होता है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं, मैं दिल्ली की बात कर लूँ, NCR दिल्ली की बात कर लूँ, ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, सिद्धू मूसेवाले की फ़ोटो अपनी गाड़ियों पे, अपनी बाइकों पे सब लगा के घूम रहे हैं। हम किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं हम, और उनको रोक क्यों नहीं रहा है कोई, क्या ये समझाने वाला कोई है? मैं सरकार से फिर बोलूँगा, इस तरह के जितने भी ये सिंगर्स हैं इनको सबको बैन करना चाहिए, इनकी आवाजाही तो बैन होनी चाहिए, इनके गाने भी बैन कर देना चाहिए। इनकी कमर तभी टूटेगी जब इनके पास रेवेन्यू का अकाल पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये भी देखने की जरूरत है, ये जो इनके कॉन्सर्ट होते हैं, लाइव कॉन्सर्ट, चाहे वो इंडिया में हो रहे हैं, चाहे पंजाब में हो रहे हो, या फिर किसी भी कंट्री में कहीं भी हो रहे हो, मोस्टली पंजाबी सिंगर्स के कॉन्सर्ट कनाडा में बहुत ज्यादा होते हैं, हमने देखा है, उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है? क्योंकि कुछ अभी मैं एक स्टडी कर रही थी, दिलजीत जो है उनका एक कंसर्ट था, उसको ISI एजेंट स्पॉन्सर कर रहा था। तो इन्हें तो पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि हम तो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से बोलते रहे हैं। बिल्कुल, इनको अभी इसी तरह के कई कई होते हैं ये लोग। एक्चुअली कलाकार क्या है कि ये जो बोलते हैं ना कि अपने गानों के पीछे छिपे जो इनकी नीयत है, पैसे कमाने का जो इनका इनकी नीयत जो दिखाई दे रही है, कि हवस जो दिखाई दे रही है, ये कुछ नहीं देखते। इनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो आदमी हमें मतलब स्पॉन्सरशिप दे रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है, और वो पैसे का करने क्या वाला है, उसका बैकग्राउंड तो चेक करें कि हम अनजाने में कोई ऐसी फंडिंग तो नहीं इकट्ठे कर रहे हैं कि जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है। जब 1984 का जिक्र हो रहा है, जर्नल भिंडरवाला का जिक्र हो रहा है, मतलब जिसने जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा, अब ये तो कह देते हैं कि भैया हम तो सिंगर हैं, हमें तो गाना गाने के लिए कहा गया, हमने तो गाना गा लिया, हमने तो पैसे मिले, हमने टैक्स पे दे। अरे तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी नहीं है आप इसकी, भैया कम से कम उसको उसका क्रॉस चेक तो, उसका बायोडाटा तो चेक कर लें कि ये फंडिंग कहाँ से आई, क्यों आई, और इसका पैसे का बना के करने क्या वाला है। तो ये चेक होना बहुत ज़रूरी है। आपने दिलजीत सिंह दोसांझ की बात करी, इनके बारे में, इनके कनाडा में या कहीं यूके में, इनका यूके में एक फंक्शन था इनका, मैं आपको याद दिला दूं, जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया आपकी बात से। यूके में एक फंक्शन था इनका, कॉन्सर्ट चल रहा था, कॉन्सर्ट में भारत का झंडा लेके कोई पहुंचे और उन्होंने अपना भारत का झंडा, कोई युवती थी वो किसी थी, महिला ने, तो इन्होंने इसमें कमेंट किया कि गाने जो हैं, जो गाने हैं वो सभी के लिए हैं और वो एकमात्र हिंदुस्तान के लिए नहीं है। अरे मैं इनसे पूछता हूँ, आप हिंदुस्तानी हो? आप बाहर जाते हो, अपना हिंदुस्तानी आदमी अगर दिख जाता है तो अपना सा महसूस होता है, जहाँ पर हमें लगता है कि यार चलो कोई अपना मिल गया, अपना झंडा देख के तो और खुशी होती है। तो उस चक्कर में भी ये काफ़ी फंस गए थे, जिसमें इनको सफाई भी देनी पड़ी, पर सफाई के साथ साथ इनकी नीयत साफ नज़र आ गई थी कि कुछ ना कुछ ये किस तरह से। पता है कि एक छोटा बच्चा भी ना, जो 7-8 साल का बच्चा है, जिसे समझ में आता है, बहुत सारा
एक तबका है जो जिनकी फैन फॉलोइंग है इनको लेकर, एक क्रेज है बच्चों में भी, हम देखते हैं दिल्ली में भी कॉलेजेस में लाइव कंसर्ट होते हैं, इतना क्रेज है, कभी किसी कंसर्ट में कोई पंजाबी सिंगर आ रहा है, मोस्टली पंजाबी सिंगर्स बायकॉट करना चाहिए इनका, मैं तो बोलूंगा बायकॉट करो इनका अपने, अब ये हमारे सभी परिवार के माँ बापों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसों का बायकॉट करें, इसको आप बिल्कुल इंटरटेन ना करें, इंटरटेनमेंट का माध्यम ना बनने दें इनको, अपने बच्चों को इनसे दूर रखें, ये इस तरह की जो वो है इनको बिल्कुल दूर रखें। और सोचिए कि ऐसा करने से अगर भारत को कितना खतरा हो सकता है, खतरा इनको सबसे पहले इनको पैसे के लिए मोहताज कर दो, तो इनको समझ में आएगा कि प्यार और धुतकार में क्या फर्क होता है। ऐसी चीजें होती है ना, फिर हम जब इस चीज को सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने शाहीनबाग में देखा था 2020 के शुरुआत में, 2019 के एंड में हमने देखा था कि CNRC को लेकर लोग धरने पर बैठ गए, वहां पे बॉलीवुड का या किसी प्रोड्यूसर का क्या काम था, कोई काम नहीं था, लेकिन इस तरह की फंडिंग फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंच गए थे, कंट्रोवर्सी के लिए, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन ये हमें समझना होगा, एक टाइम था हरीश जी कि जब पंजाबी सॉन्ग हम सुनते थे तो वहाँ के कल्चर की, वहाँ की मिट्टी की, वहाँ के खेत की खलियाने की एक तस्वीर हमारे आंखों के सामने होती है। आज भी है, ऐसा नहीं है, मैं सबको उस कटघरे में नहीं लूंगा, आज भी है, बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं पंजाबी सब, नहीं मैं बोल रहा हूँ पंजाब में, पंजाब सदार गर्व का हमारा सिंबल है, हम उन पर गर्व करते हैं, मैं पूरे वर्ल्ड में, मैंने एक बार पहले भी एक बार जिक्र किया था कि मुझे एक सरदार कम्युनिटी है जो पूरे देश पूरी दुनिया में कहीं भीख मांगती हुई नज़र नहीं आई, बिल्कुल, और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि वो पंजाबी, मैं उन पे गर्व है, मुझे गर्व से कह सकता हूँ कि वो पंजाबी एक ऐसी इकलौती कौम है, पर तो हर चीज़ में हर किसी चीज़ में मेहनत से खाना जानती है, गुरुद्वारे में आप उनकी सेवा भाव देख सकते हो, बड़े से बड़ा आदमी भी होगा उसकी अगर ड्यूटी जूते साफ करने पे लगी होगी तो बिल्कुल श्रद्धा से वो जूते साफ करेगा, तो सरदार कम्युनिटी वो है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, उनकी वजह से बार बार पंजाब का नाम खराब हो रहा है, हमें समझने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। देखिए पंजाब पूरा हम खेत खलियानों के लिए, वहाँ की वेशभूषा के लिए, वहाँ की भाषा के लिए, वहाँ के जो प्यार होता है लोगों में, वो अपनापन, उसके लिए हम याद करते हैं, हमें पंजाब को ड्रग्स के लिए, हथियारों के लिए, या ऐसी भाषा के लिए, या फिर सिर्फ कैनेडा, क्योंकि मिनी कैनेडा कहा जाता है, तो उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना है, उसके लिए नहीं सोचना है। अभी मैं स्टडी कर रही थी हरीश जी, मैंने पढ़ा कि इतने सालों में बहुत सारे लाखों या करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, जो कि भारतीय हैं मूल रूप से, तो ये तो गलत हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है, गलत एक पूरा। कनाडा की सिटीजनशिप लेना बहुत आसान है, असल में उनकी सिटीजनशिप बहुत ही आसान है, अगर 18 साल से आपका बच्चा कम उम्र का है तो बच्चे की एजुकेशन के नाम पे आपको वहाँ का उनका वीज़ा मिल जाएगा, और माँ बाप एज अ केयर टेकर उस माँ बाप का वीज़ा बहुत आराम से मिल जाता है, ये मैं आपको बता दूँ, इसलिए कनाडा लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वहाँ सस्ता है, सस्ता रहना सस्ता नहीं है, वीज़ा का तरीका सस्ता है, वहाँ तो बहुत मेहनत है, ठंड तो भी बहुत है। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, जनता को समझने की ज़रूरत है, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिद्धू मूसेवाले के सपोर्टर हैं, दलजीत के सपोर्टर हैं, जो एजी बी के फैंस हैं, गिप्पी ग्रेवाल के फैंस हैं, एपी ढिल्लन के फैंस हैं, उनको बुरा लग सकता है। मैं बिल्कुल, मैं आपको बोलूँ, उनको वो जो सपोर्टर है ना, वो अनजाने में इनके सपोर्टर बन गए हैं, इनके गानों को लेकर, उनकी गानों की मंशा को लेकर जब पहुँचेंगे ना वहाँ तक, मैं समझता हूँ वो सपोर्टर भी भाग खड़े होंगे, क्योंकि कोई भी अपने भारत देश के टुकड़े नहीं होने देगा, इतना मैं क्लियर कह सकता हूँ कि इनके इस ये समर्थक नहीं हो सकते। मैं आज के यूथ को ही बोलूँ कि अगर उनको इनकी मंशा नज़र आ जाए तो वो बिल्कुल छोड़ देंगे, आज छोड़ देंगे। तो ये डिसाइड करना आपके हाथ में है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इनके कोर फैंस हैं, तो ये समझना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहला है देश, देश को बचाना ज़रूरी है, देश में जो कुछ हो रहा है, जो ऐसे लोग हैं जो देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि भारत अब और टुकड़े बर्दाश्त नहीं होने देगा। बिल्कुल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप देखते रहिए, हमारा एक नया ऐप आया है, उसको आप डाउनलोड करें, आप अपनी समस्याओं से, जो भी समस्या आपके पास होती है, आपके समाज में होती है, आप उसे अपलोड कर सकते हैं, आपकी वीडियो पसंद आई, वायरल हुई, तो आपको हम उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए भी इनाम हम रखा है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और आप तक हम आराम से पहुंच सकें, आप हम तक आराम से पहुंच सकें, ऐसी हम
कामना रखते हैं। धन्यवाद।